28 मई 2023 को यूपीएससी प्री की परीक्षा संपन्न हुई और परीक्षा के बाद देश में जैसे भूचाल सा ही आ गया। हर कोई यूपीएससी से नाराज दिख रहा था और यही सवाल कर रहा था कि आखिर यूपीएससी ने ऐसा क्यों किया। अच्छे से अच्छी तैयारी करने वाला स्टूडेंट भी अपने सिलेक्शन को लेकर सशंकित दिख रहा था और सीसैट ने तो लगभग सभी स्टूडेंट्स को चौंका कर रख दिया था। अंग्रेजी में एक शब्द है स्टम्प्ड, यानी कि ऐसी परिस्थिति जब आपको पता ही नहीं चलता कि कब आपके पैरों तले जमीन खिसक गई। और 28 मई को यूपीएससी ने स्टूडेंट्स को स्टम्प्ड। आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर क्या था 2023 की इस परीक्षा में जिसने स्टूडेंट्स को इतने गुस्से में ला दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको मिलती है सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर लीजिए और हमारे लेटेस्ट वीडियोज और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। पिछले वर्ष की तुलना में कठिन प्रश्न पत्र और चुनने के लिए कम विकल्पों वाले पेचीदा सवालों ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को परेशान कर दिया है। इस वर्ष पेपर एक में परिस्थितिकी की और समसामयिक विषयों से अधिक प्रश्न थे। हालांकि प्रश्न लंबे नहीं थे, फिर भी अभ्यर्थियों के वैचारिक स्पष्टता का गहन परीक्षण किया गया। करंट अफेयर्स से 13 प्रश्न, आर्थिक और सामाजिक विकास से 11, इतिहास और संस्कृति से 12, सामान्य विज्ञान से 3, भारतीय राजनीति और शासन से 17, पर्यावरण और परिस्थितिकी से 20, भूगोल से 15 और सामान्य ज्ञान से लगभग 9 प्रश्न थे। अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई करने वाले शहरी अभ्यर्थियों के लिए प्रश्न पत्र अधिक फायदेमंद रहा। इस बार दक्षिणी इतिहास पर अधिक जोर दिया गया है। पेपर में सभी छात्रों से प्रश्न थे, लेकिन परिस्थितिकी और करंट अफेयर्स के विषय से काफी ज्यादा प्रश्न पूछे गए। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत की भूमिका पर भी जोर दिया गया। प्रश्नों में वैचारिक स्पष्टता का परीक्षण किया गया और सही विकल्प चुनना किसी भी उम्मीदवार के लिए आसान काम नहीं था, क्योंकि विकल्प एक दूसरे के करीब थे। पहले की परीक्षाओं में छात्र कई सवालों का जवाब एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हुए दे पाते थे, लेकिन इस बार यूपीएससी ने उन्हें ऐसा कोई अवसर ही नहीं दिया। इस वर्ष का पेपर इस प्रकार सेट किया गया था कि एलिमिनेशन विधि का उपयोग करना या उत्तरों का अनुमान लगाने के लिए बहुत कम स्कोप हो। प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अभ्यर्थियों को अवधारणाओं की गहन समझ और अनुप्रयोग की आवश्यकता थी और इसके कारण कई स्टूडेंट्स को परेशानी का सामना भी करना पड़ा। इसी तरह पेपर 2 यानी कि सीसैट में भी यूपीएससी को स्टूडेंट्स के कोप का भाजन बनाना पड़ा था। इस साल पूछे गए 80 सवालों में से 40 सवाल गणित से थे, जो आज के स्टूडेंट्स के लिए काफी मुश्किल माने जाते हैं। कॉम्प्रिहेंशन से 25 सवाल पूछे गए थे और बाकी विषयों से सिर्फ 15 सवाल पूछे गए। इस प्रकार का पैटर्न यूपीएससी की परीक्षा में पहली बार देखा गया है, जहां मैथ्स में 50% सवाल पूछे गए हो। अब यूपीएससी ने ऐसा क्यों किया, इसका जवाब तो वही दे सकती है, लेकिन इस बार की परीक्षा के पैटर्न को देखकर तो यही लगता है कि यूपीएससी ने आर्ट्स और अन्य ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स के प्रति के द्वेष की भावना अपनाई है। वैसे भी यदि पिछले साल के आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि फाइनल सिलेक्शन में जगह बनाने वाले लगभग 65% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं। इससे अन्य स्ट्रीम के स्टूडेंट्स मन में रोष उत्पन्न होने लगता है, बहुत ही आम बात है, और उनके गुस्से को नाजायज नहीं कहा जा सकता है। साल 2011 में जब सीसैट इंट्रोड्यूस किया गया था, तब भी नॉन इंजीनियरिंग और खासकर आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स ने मुहिम छेड़ दी थी कि ये यूपीएससी का एक भेदभावपूर्ण रवैया है और यदि उसे सिविल सेवा में भी इंजीनियरिंग के ही स्टूडेंट्स चाहिए तो इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन में इंजीनियरिंग ही अनिवार्य कर देना चाहिए। स्टूडेंट्स के इस गुस्से के आगे यूपीएससी को उस समय झुकना पड़ा था और सीसैट के क्वालिफाइंग बना दिया था। लेकिन सवालों के स्टैंडर्ड और पैटर्न को देखकर यही लगता है कि यूपीएससी कहीं ना कहीं नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के प्रति उदासीन रवैया रखती है और इस साल की परीक्षा के बाद तो ये लगभग स्पष्ट ही हो चुका है। अब इस साल भी स्टूडेंट्स में काफी गुस्सा है और हो सकता है कि आने वाले समय में यूपीएससी अपने इस रवैये में सुधार करे,
लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता तब तक तो यही कहा जाएगा कि यूपीएससी ने इस साल की परीक्षा सिर्फ इसीलिए आयोजित की ताकि सिविल सेवा में टेक्निकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को फेवर किया जा सके। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार।